पांच पूजन पूरी कर लेती है, अगर मान लो तीन चार पूजन में नहीं भी पहुंची तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, पांचवी पूजन पर जब माताएं जाती है हरतालिका तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं, तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में उसका स्पर्श करती हैं, उसका करने का कारण केवल एक होता है कि हरतालिका तीज की पूजन के फुलेरे का स्पर्श करने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है। जो व्रत कर रही हो उस फुलेरे को खोलते समय उसका स्पर्श होना चाहिए, उसको छूना चाहिए।